नमस्कार दोस्तों, इन्फो आइलैंड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला है नीति आयोग और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। दूसरा हृदय योजना जिसकी स्थापना 21 जनवरी 2015 को हुई। तीसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ये शुरू हुआ 22 जनवरी 2015 से। चौथा सुकन्या समृद्धि योजना, इसकी स्थापना 22 जनवरी 2015 को हुई। अगला है मुद्रा बैंक योजना जिसकी स्थापना 8 अप्रैल 2015 को हुई। अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो शुरू हुई 9 मई 2015 से। अगला है अटल पेंशन योजना जिसकी स्थापना 9 मई 2015 को हुई। अगला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये प्रारंभ हुआ 9 मई 2015 से। अगला है उस्ताद योजना जिसकी शुरुआत 14 मई 2015 से हुई। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना जो प्रारंभ हुआ 25 जून 2015 से। अगला है अमृत योजना जिसकी स्थापना 25 जून 2015 को हुई। अगला है स्मार्ट सिटी योजना जो शुरू हुआ 25 जून 2015 से। अगला है डिजिटल इंडिया मिशन जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 से हुई। अगला है स्किल इंडिया मिशन, 15 जुलाई 2015 में इसकी स्थापना हुई। अगला है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो शुरू हुआ 25 जुलाई 2015 से। अगला है नई मंजिल नामक योजना जिसका प्रारंभ हुआ 8 अगस्त 2015 से। अगली योजना की हम बात करें तो वह है सहज योजना जिसकी स्थापना 30 अगस्त 2015 को हुई। अगला है स्वावलंबन स्वास्थ्य योजना जिसकी शुरुआत 21 सितंबर 2015 से हुई। अगला है मेक इन इंडिया योजना जो प्रारंभ हुआ 25 सितंबर 2015 से। अगला है इम्प्रिंट इंडिया योजना जिसकी स्थापना 5 नवंबर 2015 से हुई। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी थी हमारे इंडियन वेलफेयर के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करते रहें और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। इन्फो आइलैंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।